सो नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत ही शानदार न्यू फंड ऑफर जो कि इन्वेस्को की तरफ से है। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट सर, आपके लिए जब भी ये वीडियो लेके आते हैं तो उसमें बहुत ताकत, बहुत मेहनत, बहुत सरदर्द और बहुत सारी मशक्कत होती है। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे चैनल में मतलब टेलीग्राम के चैनल में भी जुड़ सकते हो। और जब भी हम अगली बार जब कोई नया वीडियो लेके आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में वीडियो आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। और अब चलते हैं आज के मेन थीम की तरफ। और उस मेन थीम का नाम क्या है? यस, दिस इज अ नेम ऑफ द थीम, इन्वेस्को इंडिया फोकस 20 इक्विटी फंड। ये क्या है? ये सब एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जो कि 20 स्टॉक से बनने वाला है। सब एकदम क्लियर है, मल्टी कैप फंड है, 20 स्टॉक से बनने वाला है। मल्टी कैप का मतलब है साहब, आपका इसमें ब्लू चिप भी होगा, लार्ज कैप भी होगा, इसमें स्मॉल कैप भी होगा और मिड कैप भी होगा। एनएफओ कब से है सर? ये 9 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक एनएफओ है, मतलब 9 से लेके 23 तक आप इसमें पैसे डाल सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसमें पैसे डालने के, भाई तो इनका मानना है कि आउटकम ऑफ चेंज वंस यू आर फोकस्ड, मतलब आउटकम्स चेंज वंस यू आर फोकस्ड। तो थिंक अबाउट इट नाउ, इनका ऐसा बोलना है कि भाई जी का जो एडवांस टॉपर है या बैडमिंटन का जो प्लेयर है जो कि मेडल विन करता है, या फिर को फाउंडर ऑफ एनी आईटी की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो, या फिर कोई भी सोशल वर्कर, इवन मतलब चार वैरायटी उन्होंने दी है। और उन्होंने पूछा है ट्रूली वी कैन फाइंड सेवरल सच एग्जांपल्स इन द डिफरेंट फैसेट ऑफ लाइफ व्हेन यू आर फोकस्ड। Had these people are not focused in their goal and they would not have achieved this desire of result. मतलब अगर focused है तो result बहुत अच्छा आता है, अगर focused नहीं है तो result अच्छा नहीं आता है। और यही इनकी theme है, as focus helps to overcome distraction in everyday life, focus in the stock selection helps to avoid the mediocre businesses also. मतलब कि छोटे मोटे businesses लेके उनमें investment करने से अच्छा है कि focus में काम किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने बहुत सारा data crunch किया। अब data मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डेटा क्या है? इनको ऐसा बोलना है कि 2012 में फोकस जो 10 कंपनियां थी, 10 स्टॉक थे, उनका कंट्रीब्यूशन 30% था निफ्टी का। 2013 में 7.5% का रिटर्न जो है वो सिर्फ 10 फोकस कंपनियों से आया। 14 में 33%, जो बाजार गिरा भी तब भी इसमें सिर्फ -2.7% का नुकसान हुआ। वापस 16 में 4.3%, 17 में जो कंट्रीब्यूशन था वो 30% था। टॉप 10 कंपनियों का सर, टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूशन टू निफ्टी। सो 10 कंपनियां जो है वो मेजॉरिटी ऑफ रिटर्न्स जो है या डिस्ट्रैक्शन जो है वो लेके आती है। सो 10 कंपनियों का ही पूरा बोलबाला है। तो इनको ऐसा बोलना है कि भाई हम लोग जो है वो फोकस करेंगे उन 20 स्टॉक्स के ऊपर जो पूरे पोर्टफोलियो को अच्छे से बनाए ना। अनदर, व्हाइल डाइवर्सिफिकेशन इन गुड इज गुड, एडिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस रिस्क। मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर रहता है तो बहुत रिस्क को कम करता है, ऐसा नहीं है साहब। यहाँ पे इन्होंने नॉट मच डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डिवीजन रिस्क को दिखा दिया है। 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो तब भी 18% का रिस्क है, 50 का है तब भी 18 का है, 100 का है तब भी 18 का है, और 200 का है तो भी 18 का है। सो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है पोर्टफोलियो अगर 20 का है या फिर पोर्टफोलियो अगर मान के चलो कि 100 स्टॉक का है। लेकिन यहां पे फर्क पक्का पड़ता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत फोकस्ड है तो रिटर्न के इस पे फर्क पड़ता है। दैट इज द रीजन एक्चुअली दे कम आउट ऑफ द फोकस्ड अप्रोच। नाउ इन्होंने इसको फर्दर लेके गए सामने में, क्या बोला उन्होंने कि ऑटो का पूरा जो इंडेक्स है उसका टॉप परफॉर्मेंस आता है 36% का। कितने स्टॉक से? 15 स्टॉक है लेकिन 36% रिटर्न आता है टॉप परफॉर्मर से, और 5% रिटर्न जो है वो नीचे वालों से आता है। एवरेज जो रिटर्न आता है सेक्टर का वो 7%। मतलब आप इमेजिन कीजिए जो टॉप परफॉर्मर है वो 36-40% का रिटर्न जो है वो सिर्फ टॉप परफॉर्मेंस से आ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां 27% का रिटर्न टॉप परफॉर्मेंस से, बैंकिंग की कंपनियां 22% रिटर्न जो है वो टॉप परफॉर्मर से, और बाकी तो सब एवरेज हो रहा है सर। सो ये फोकस्ड रहना चाहते हैं प्रेजेंटिंग इन्वेस्टको इंडिया फोकस 20 फंड। ये 20 इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैनेजिंग द फंड्स, 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो, इट विल हैव द मल्टी कैप पोर्टफोलियो विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अक्रॉस द मार्केट कैप। मतलब जहां पे उनको जो चीज सस्ती नजर आएंगी, जहां पे उनको वैल्यू नजर आएंगी, जहां पे उनको ग्रोथ नजर आएंगी, ये वहां पे पैसा डालेंगे। दैट इज वेरी सिंपल। स्टॉक सेलेक्शन विल बी गाइडेड एज पर द इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, जो भी उनकी फिलोसफी होगी उसके हिसाब से करेंगे। मेरी जो ताहिर बादशाह साहब के साथ जो बात हुई है उसमें उन्होंने क्या बोला है मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको वापस से एक बार देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है। तो इनमें लार्ज कैप 50-70% रह सकता है, मिड कैप 30-50% रह सकता है, स्मॉल कैप 0 से लेकर 20% रह सकता है। ये इनका फोकस 20 का थीम रहेगा। अप्रोच क्या है सब? बॉटम अप अप्रोच है, मतलब दो अप्रोच है, एक तो ऊपर से
टॉप डाउन अप्रोच, मतलब पहले इंडस्ट्री देखेंगे, फिर इंडस्ट्री का सेक्टर देखेंगे, फिर सेगमेंट देखेंगे, फिर जीडीपी देखेंगे हो रही कि नहीं हो रही, ऐसा ऊपर से लेकर नीचे आएंगे। ये लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बॉटम अप अप्रोच से जाएंगे, पहले नीचे देख लेंगे कंपनी परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, बाजार क्या बोलता है, इकोनॉमी क्या बोलती है, वो सब बाद में देखा जाएगा, राइट। ब्लेंड क्या रहेगा, ग्रोथ और वैल्यू दोनों का, मतलब कंपनी ग्रो कर रही और उसमें वैल्यू है कि नहीं है, ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन लोग जाएंगे। वेरी नाइस अप्रोच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन दिस फोकस फंड नाउ, अभी क्यों करना चाहिए। मैंने ताहिर साहब से एक क्वेश्चन किया था, चलो ताहिर साहब ये तो बात सही है, लेकिन क्या है, मुझे एक बात बताइए आप कि अभी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, साथ में कन्विक्शन आइडियाज बहुत अच्छे नहीं है, साथ में अर्निंग्स कुछ नजर नहीं आ रही, तो आप ऐसे वक्त में इस टाइप का एनएफओ लेके क्यों आ रहे हो। तो उनका बोलना था साहब देखो ऐसा है, इकोनॉमी अच्छी हो ना हो लेकिन दो तीन चीजें काम करेंगी। कौन सी, बोले इकोनॉमी में कुछ कंपनियां जो है वो 100% काम करेंगी, आइदर कंजम्पशन काम करेगा या फिर टेलीकॉम काम करेगा या फिर बोले डिस्क्रिशनरी काम करेगा या फिर ऑटो ऑटो इंजीनियरिंग काम करेगी, बिकॉज ये तो ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा के लोगों के काम में आने ही वाली है, इसको लोग जो है वो मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हमको ग्रोथ अगर नहीं मिला तो वैल्यू तो पक्का मिलेगी, सो दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग चलेंगे। सो व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन दिस फंड, फंड इज बेसिकली टारगेटिंग हाई कन्विक्शन आइडियाज, जिसमें बहुत हाई कन्विक्शन आइडियाज है, ऐसे इसमें जाएंगे। दूसरा, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस एंड स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी जिसमें बहुत कम हो, जिससे कि आपका पैसा जो है वो ऊपर नीचे ज्यादा ना जाए। फिर आता है कि वाई चूज अस, अपने इन्वेस्टर को क्यों चूज करना चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट एक्सपर्टीज इनका, ताहिर बादशाह साहब का अराउंड 26 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ा मजबूत एक्सपीरियंस है जी, और काफी अच्छे अच्छे फंड को उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है। साथ में ब्रॉड डीप एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्लेटफॉर्म है इनका, सो टीम विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 191, मतलब इनकी जो पूरी टीम है इनको 191 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मैनेजमेंट करने का, और इन्वेस्टर इंडिया के पास जो है वो 300 स्टॉक है जो ये लोग मैनेज करते हैं। अनकेटेगराइज 159 है, कैटेगराइज 138 स्टॉक है, इनके पास लार्ज कैप के 56 है, मिड कैप के 53 है और स्मॉल कैप के 39 स्टॉक्स है, और यही इनका यूनिवर्स रहने वाला है, इसी में लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं वापस, क्या बोल रहे लोग, स्टॉक एक्सपर्टीज अच्छी है, 98% इक्विटी के एसेस, कंसिस्टेंटी है, रोबस्ट प्रोसेस है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और बाकी सारा तो आगे की फैक्टर आगे, फंड मैनेजर को रहे ताहिर बादशाह साहब, 26 साल का एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द फैंटास्टिक फंड मैनेजर इन द इंडस्ट्री, वेरी 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 हम्बल एंड वेरी नाइस पर्सन दिस इज। इनका फंड काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, इनकी मल्टी कैप हो, कॉन्ट्रा हो, इलेस हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कहीं ना कहीं इनके फंड बहुत अच्छे से कॉन्ट्रा इसमें चलते रहते हैं। ग्लिम्स इनटू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इन्होंने पूरा दिया हुआ है, सो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बींग ए ट्रू मैंडेट, मैंडेट के साथ ही रहेंगे, मैंडेट को लोग सरपास नहीं करेंगे, यूनिवर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, रोबस्ट स्टॉक कैटेगराइजेशन बता दिया, लीडर के साथ जाएंगे, वेरियर के साथ जाएंगे, स्टार के साथ जाएंगे, डायमंड के साथ जाएंगे, अलग अलग कैटेगरीज बना दी है, डिस्क्रिप्शन बता दिया उन्होंने यहाँ पे, तो वो डिस्क्रिप्शन आप एक बार चाहिए तो आप वापस को रोक के थोड़ा सा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। रिस्क मैनेजमेंट उनका बहुत मजबूत है, कोई इशू नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है आप एक बार इसमें देख लीजिएगा। असेट एलोकेशन बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो उन्होंने करके रखी हुई है। सो मोटा मोटा जो मुझे समझ में आ गया है, जो कि मैंने कॉन कॉल में बात की थी और जो भी मेरा क्वेश्चन उन्होंने किया है, बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी करेंगे, लो बीटा इसका रहेगा, बीटा इन्होंने इंडेक्स का जितना बीटा है उतने ही बीटा में ये रहेंगे, ऐसा इनका बोलना है कि हम लोग बीटा जो है, बीटा मतलब वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस फंड में रखना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये लोग जो है वो प्रोसेस से कहीं भी मतलब झंझट नहीं करेंगे, प्रोसेस जो इन्होंने सेट करके रखी हुई है उस पर्टिकुलर प्रोसेस और मैंडेट के साथ ही रहेंगे। इन्होंने इसका बैक टेस्टिंग किया नहीं है, लेकिन इनका ऐसा बोलना है कि इन्होंने हमने जो भी बैक टेस्टिंग भले ही नहीं किया है, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है ये आपको रीजनेबल इंडेक्स से ज्यादा का रिटर्न देगा पक्का, दैट मच दे आर वेरी मच क्लियर। ये लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर एनएफओ को फरवरी में लॉन्च करने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन ये लोग एक्चुअली अभी अगस्त में इसको नवंबर में सितंबर में इसको लॉन्च कर रहे हैं। सॉरी, इसका 65% का जो पोर्टफोलियो है ये इंडेक्स के जैसा ही रन करेगा और लार्ज कैप ओरिएंटेड ये पोर्टफोलियो रहेगा। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 18 से 20 के बीच में रहेगा, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं, और बीटा जो इसका एकदम मेंटेन रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उनसे पूछी थी कि अर्निंग उनको कैसा दिखता है आने वाले समय में, और तो उनका ऐसा बोलना था, देखिए सर टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन आ सकता है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन ये अगले दो महीने में या जो भी सेबी का मैंडेट है उसके हिसाब से इस फंड को स्टैगर्ड मैनर में पैसा डालेंगे, एक साथ पैसा नहीं डालेंगे। मतलब अगर आपने आज इसके में पैसा डाल भी दिया तो वो पैसा जो है पूरा का पूरा एक साथ नहीं जाएगा, वो स्टैगर्ड मैनर में जाएगा जो भी सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से। सो हमारा टेक इस पे क्या है, तो हमारा टेक इस पे है कि हाँ एक अच्छा है जिन्होंने अभी तक पैसा डाला नहीं है, इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, या फिर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और जिसके पोर्टफोलियो में फोकस्ड अप्रोच नहीं है, तो उनके हिसाब से ये फंड को बाय किया जा सकता है। ताहिर बादशाह साहब का
जो कन्विक्शन है या जो उनका एक्सपर्टीज है वो बहुत अच्छा है और आप इसको बाय कर सकते हो, ऐसा हमको लगता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वापस एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज इस छोटे से छोटी चीज़ या जो भी चीज़ हम लोग आपके पास लेके आए हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमको YouTube पे तो बाय डिफॉल्ट आपको करना ही, सब प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, और वापस एक बार आपके पास आऊँगा मैं ऐसा ही कोई अच्छा सा वीडियो लेके बहुत अच्छे से डेटा के साथ। थैंक यू।